इस दिस सब मुश्किल कॉन्फ्रेंस को विल नाउ दूर बी करिए। रिकॉर्डेड। जितने भी मुश्किल आए हैं मेरा अपना गवर्नमेंट सर्विस में, मैं परम दयालु के अपार करुणा से मैं उसे उभर के आया है। अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जिससे बड़दा जो आशीर्वाद किए थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, इमिडिएटली प्राइवेट कंपनी सब छोड़ के मैं आया हूँ। अभी तक मैं उन्हीं को ले के, उन्हीं के बात को स्मरण करता हूँ। जब भी कोई मुश्किल पे आ जाता हूँ वही स्मरण करता हूँ, मेरे ऊपर आशीर्वाद हुआ है, क्यों मैं डर जाऊं? डरना उचित नहीं है। मेरा जब उम्र था 12-13 साल, नहीं 10-11 साल था, उसी टाइम से श्री बड़दा का कटक आगमन हुआ था और ठाकुर जी का दीक्षा इमिडिएट लिया था, उसी टाइम लिया था, 11-12 साल हुआ लिया होगा, क्लास 6 में। और पहले दर्शन से श्री बड़दा के मैंने किया है, ये सुजग मेरे को मिला है छोटे उम्र में। तो इसलिए मैं जब कटक में आके पहुंचा के देखा, वहां पे एक हमारा एक मंडप है, जैसे अभी ठाकुर बाड़ी इतना सत्संग विहार बहुत बड़ा हो गया है, श्री बड़दा चाहते थे वो खरीद करने के लिए, वो भी उन्हीं का आशीर्वाद से वो किया गया है। वहीं पे मैं पहली बार जब श्री बड़दा को देखा है कि तब तक उस खटका ऊपर बैठे हुए थे और सारे सेवक, सारे जो भक्तगण ये सब थे, सुंदर एक टेंट बना हुआ था बाहर से, थे प्रभात प्रभात चक्रवर्ती दा और निखिल घटक दा, ये सब थे। और एक नींबू पत्ता में अपना मुंह में लगा के, नींबू पत्ता में वो म्यूजिक आ रहा था, तुम्हार रंगे हृदय अमर रंगा। सामने में देख रहा हूँ श्री बड़दा को, अपना इस उम्र में मालूम नहीं है क्या भाव भाव होगा उसी टाइम में। ठाकुर जी को मैंने बताया, सोचो कि मैं देखा नहीं है श्री बड़दा को, तभी देखा उसी उम्र में, देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ तुम्हार रंगे हृदय अमर रंगा, और नींबू पत्ता जो फोल्ड करके प्रभा जी वो बोल रहे हैं। फीलिंग्स में क्या हुआ, ये कौन है, ये तो मानव नहीं हो सकता है, ये तो स्वयं ब्रह्मा ही हो सकते हैं, या स्वयं इंद्र ही हो सकते हैं, या स्वयं महेश्वर हो सकते हैं। इसी टाइप का फीलिंग से मेरा श्री बड़दा जी का पास मेरा शुरू से रहा हूँ और वही को लेख में चल रहा हूँ। लेकिन उनको जो बोल रहे थे भैया, ये उनको जो समझ रहे हैं, जो जैसे समझे ऐसे कुछ बोलेंगे, समझने के लिए कोई विद्या बुद्धि हमारा ज्ञान नहीं है, एक जन्म नहीं कितना जन्म भी निकल जाएगा। अभी ना श्री ठाकुर को या श्री वर्धा को या उनका दर्शन को भी समझना हमारा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जितना भक्ति हंगर डालेंगे, जितना बर्फ का पुतुल, जितने हम समुद्र का अंदर घुसेंगे उतने में हम मेल्ट होते जाएंगे और इतने ही उनको प्राप्त होंगे, वही होगा आनंद, वही होगा हमारा जो जीवन का सार्थकता, उन्हीं वही हमारा जो श्री बड़दा जी का बात अभी मैं इमीडिएटली याद आ रहा है, क्योंकि मेरा जितना टाइम है मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत मैं शेयर कर लेता हूँ। श्री बड़दा जी उनका जो नाती है पूजनीय सिपाहीदा, वो जब छोटे थे उनको श्री बड़दा बहुत कहानी सुनाते थे और बहुत सारा कहानी सुनाते, वो कहानी हमेशा ठाकुर जी का कहानी था। श्री पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे हैं, दादू आप हमको इतना कहानी सब सुना रहे हैं, सब कहानी में श्री श्री ठाकुर जी का कहानी सुना रहे हैं, दूसरा कहानी क्यों नहीं सुना रहे हैं? श्री श्री बड़दा बोले थे उस दिन, दादू सुन, उनका बात बोलने में आनंद है, उनका बात सुनने में आनंद है, उनका उनको सोचने में ही आनंद है, उनका काम करने में ही आनंद मिलता है, क्योंकि वो परमानंद है। तो जो परमानंद है उनको सोचने में, उनको काम करने में, उनको तनु मन धन सब कुछ देने में, उनको पूरा अपना समर्पण करने में जो सर्वश्रेष्ठ है वही है गॉड गिफ्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परम पिता श्री ठाकुर जी। श्रीमुख से यही बात निकला था, गॉड गिफ्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परम पिता इज श्री बोलता है, टाकर ओपिट अमी हले ओपिट बड़क होगा, ये सर्टिफिकेट श्री ठाकुर जी ने दिए हैं। कितने सारे घटना है, कहाँ से शुरू करूं, वही तो मेरे को अभी मैं चिंता में पड़ गया हूँ, क्या बोलूं, कैसे अपना भाव को अपने अंतर से शेयर करूं। श्री श्री बड़दा जैसे श्री ठाकुर बैठे हैं और श्री श्री बड़दा को बुला रहे हैं, आओ इधर आओ यहीं बैठो, नहीं, ऊपर नहीं बैठूंगा नीचे बैठूंगा। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, नहीं, ये भी तुम्हारा है, वो तुम्हारा, वही वही तुम्हारा है, तुम आ जाओ आ जाओ, जबरदस्ती लाके बैठा रहे हैं शिष्य बट्टा को। एक अपना फोटो दिखा रहे हैं, बचपन का फोटो, और पास में है सेवादी है,
और पास में शिवाजी को दिखा रहे हैं। ये फोटो किसका है देखो तो, ये फोटो तो ठाकुर आपका ही फोटो है। नहीं, ये मेरा फोटो नहीं है। नहीं ठाकुर, ये आप ही का ही फोटो है। नहीं, ये फोटो तो मेरा नहीं है, ये तो बड़ों का फोटो है। तो इस बीच में आ गए नंद दुलाल दा। नंद दुलाल दा को पूछ रहे हैं, ए देख तो तू देख, वो बोल रहे हैं, वो बोलछे वो फोटो আমার, এটা আমার, তো আমি তো বলছি এটা বড় খোকার, দেখতে ফটোটা কার। নন্দদুলাল দা সোচ রহে হ্যাঁ, মে তো মেরে কো দিখাই দে রহা হ্যায়, ও তো ঠাকুর জি কা ফটো হ্যায়, তো মে ক্যা করুন আর কেসে না ভি বলুন, এ বড়দা কা ফটো নেই হ্যায়। তো ইয়ে চিন্তা মে সোচ পড় কে ফির ঠাকুর জি কো বল রহে হ্যায়, ঠাকুর আপকা কম উমর মে জেসে ফটো থা শ্রী শ্রী বরদা কা কম উম্র মে ইসি উম্র মে ফটো অবিকল এসা হি হ্যায়। শ্রী শ্রী ঠাকুর মুস্কুরা রহে হ্যায় যে ইয়ে বাত সারি হ্যায়, তো ওই হ্যায় ও জো হ্যায় ও মি হুঁ, তুমিও তোমার তজ্জাত সন্তান, শ্রী শ্রী ঠাকুর বহুবার বললে হ্যায়। আর ইসি টাইপ কা ধারা অভি তক চলতে আ রহা হ্যায়। শ্রী শ্রী ঠাকুর জি কা তো শ্রী শ্রী বরদা কে পাশ কিতনা উনকে বাদ জো আপ লোক পড় রহে হ্যায় सुन रहे हैं, ये उनके ज्यादा मैं उस टाइप के मैं नहीं जा रहा हूँ, जो क्योंकि मैं उड़ीसा का हूँ और उड़ीसा के लिए श्री श्री बड़दा का जो लैंग्वेज था, उड़ीसा इज माई हार्ट एंड लॉन्ग्स। और उड़ीसा को बार बार आए हैं, जब छोटे थे श्री श्री ठाकुर जी के साथ आए थे 1923 मसीहा में, और उसके बाद बार बार 10 बार आए हैं, और 1969 में आए हैं, 71 में आए हैं, 73 में आए हैं, और 76 में आए हैं, 77 में, 78 में, 89 में, 92, 93 और 94 तक, लास्ट श्री श्री बोर्ड 94 में यही पुरी में रह गए हैं। और मैं उसी दिन का स्मृति को मैं इमिडिएटली मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ, शेयर करने से मेरा फिर बोलने का कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ आंख में जो सीनरी देखा है उसी दिन को, उसी को अपना भाव या भाषा कुछ नहीं है, जिस वजह से मैं उनका कुछ ना कुछ इस बात का मैं बोलते पाऊंगा। मैं पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल अनुभूति का बात ला रहा हूँ आपके बीच। मेरा जब स्टूडेंट करियर में अपना जाजक पंजा मेरे पास था, और मैं नौकरी करने के बाद उसका शादी हो गया, और जब शादी हुआ, अपना शादी इस घर से हुआ जिस घर में कोई ठाकुर जी का बात ही नहीं सुनते थे, उनको मालूम ही नहीं था ठाकुर अनुकूलचंद्र जी कौन है, क्यों प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, उनका घर में प्योरली नॉनवेज सब खाते थे। इस घर का साथ हमारा शादी हुआ क्योंकि उनका परिवार में उनका पिताजी को इस पितृ पुष्टि का धारा में उनका पूजा किया जाता है, इसीलिए देवता पूजा छोड़ के ज्यादा पूजा उनका पितृ पुष्टि का होता है, इसलिए हमको अच्छा लगा। और श्री बरदा जी का ब्लेसिंग लेके वही शादी हुआ था। लेकिन मैं चमक गया जे उन आने का बाद हमारा जो बीबी है, अभी तो सुन की अभी भी सुन रही होगी, अभी मेरा पास ही है, दूसरे रूम में है, और वो मैं देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं ये अपना आदमी, ये तो देवता कैसे हो सकता है, वो तो आदमी है, वो तो उनका फोटो रखा गया है, वो तो हमारे जैसे आदमी थे, उनका बाल बच्चा भी श्री बरदा है, उनका भी सब फैमिली है, वो तो हमारे जैसे खाते हैं पीते हैं, वो तो भगवान फिर कैसे हुए, उनको क्यों पूजा किया जाएगा, उनके देखेंगे सबको जय गुरु क्यों बोलेगा, सबको मिल के आनंद बाजार में खाएंगे क्यों, सबके साथ इतना दिन में 50 बार 100 बार जय गुरु क्यों बोलेंगे। बहुत सारा कंप्लेन अंदर में आ गया। मैं बोला गया, मैं इतना बचपन से लेके ठाकुर जी को लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म सब पत्नी अगर मैं साथ में नहीं आएंगी तो मैं क्या करूं। देवघर चला गई, मैं चला गया देवघर, उनको लेके पहली बार वो दर्शन की, वो अपने आप दिल खोल के वो सब देख रहे हैं, मिल रहे हैं, और मेरे को तभी से विश्वास भी नहीं था कैसे होगा ये, अपना वाइफ का कितना मेंटेलिटी कैसे चेंज होगा, नहीं तो मैं मुश्किल पड़ जाऊंगा, सत्संग कैसे जाऊंगा, कोई गुरु भाई को अगर जय गुरु नहीं बोलेंगे, पास में नहीं बोलेंगे, भीड़ को नहीं जाएंगे तो क्या करूं। श्री श्री बरदा के पास जो ये अपना षोडशी भवन में श्री श्री बरदा बैठे थे, प्रेयर चलता था, कल्याण दीदी थे, रंगामा पूजनीय रंगामा थे, सिंह जी मिश्रा जी पीछे चमर लगा रहे थे, प्रेयर टाइम हो जा रहा है, शिशि बड्डा बैठ रहे हैं, और पास पास में जितने थे सब बैठ जा रहे हैं, मैं थोड़ा दूर में बैठ रहा हूँ रास्ते के ऊपर, और मेरा बीवी जो है वो सास करके अपना थोड़ा
पास में उनके जाकर बैठ जाती है। प्रेयर शुरू हो जाता है, शाम का प्रेयर, प्रेयर खत्म हो जाता है, और प्रेयर प्रेयर खत्म होने के बाद मेरा बीबी जो देख रही है श्री श्री वर्धन को, अपना जैसे गोल्डन बॉडी है, और ये अपना उनको देख के और उसका चामर वगैरह देख के वो सब लोग आंख बंद करके प्रेयर कर रही है, लेकिन वो चोख खोल के प्रेयर कर रहे हैं, और दो आंखों से अपना लोतक निकल रहा है और रो रहे हैं। प्रेयर खत्म हो गया, हम लोग सब बाहर में आ गया, मेरे को ख्याल ही नहीं है मेरे पास बीबी था बोल के, बाहर आके मैं टी स्टॉल के पास पहुंच गया। अभी मेरे को बुलावा आ गया, ये किसी का वो जो मिसेस है वो शिशि बर्दा के पास है, रंगा माँ उनको लिए हैं, पास में बैठाए हैं, शिशि बर्दा जी का बात कुछ बातचीत चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कौन हो सकता है, मैं देख रहा मेरा बीबी मेरे पास नहीं है, तो शायद मेरे को कोई ढूंढ रहे हैं। तो मेरे को कोई बुलाया गया, मैं जाके पहुंचा, शिशि बर्दा के साथ प्रणाम किया, रंगा माँ से प्रणाम किया, और वो आसपास शब्द पूछ रहे हैं, नाम क्या है, कुथाए बाड़ी की करो, किचु एकटा शब्द যা কিছু হয় অন্তর দিয়ে আমরা বললাম, তারপরে অনেক কিছু পূজনীয় পূজনীয় রাঙ্গা বা কিছু দিলেন, এসব নিয়ে আমি তখন থেকে তারপরে আসার সময় থেকে দেখছি মাই মিসেস ইজ টেলিং মি আই শুড রাইট এভরিথিং ডেট অ্যান্ড ইভেন্ট ওয়াইজ ইন মাই ডায়েরি। আমার কে কে সোচ কে মে আই থি, অব মে কে দেখ রা হু, ও তো স্বয়ং ইন্দ্র হে, ও তো স্বয়ং ব্রহ্মা হে, সারা দেবতাগণ উনকা পূজা কর রহে হ্যাঁ और उनका सब सेवा में लगे रहे हुए, मैं क्या आज देखा, और ये जो देखा मैंने ये तो मेरा जीवन सफल हो गया, मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ इतना चेंज हो गया है मेरा साथ, हम चल रहे हैं ठाकुर जी को छोड़ के, हमारा जिंदगी में कुछ नहीं है, कि इनको दर्शन करके वही श्री श्री बौद्धा को दर्शन कर रहे हैं। एक दिन श्री श्री बौद्धा बोल रहे हैं अपना काकलेस के नाम भूल हम भूल रहे हैं, उनके जो ऋतिक है ओलकेश, ओलकेश द है, और बाकी सारे बहुत सारे हैं, वो बोल रहे हैं जे बहुत सारे भाग्यवान लोग होते हैं जो ठाकुर को सोचक में देखे हैं। कुछ भक्त वहाँ उपस्थित थे, वो सोच रहे हैं हम लोग तो ठाकुर जी को देखे नहीं है, तो हम लोग का क्या भाग्यवान नहीं है। इमिडिएटली शिष्य बोर्ड बोल रहे हैं ठाकुर जी को जो देख के ठाकुर जी के पथ चल रहे हैं वो तो भाग्यवान है, सौभाग्यवान है, लेकिन उससे और भी बड़ा भाग्यवान है जो उनको नहीं देख के, उनको देखने वाला को देख के भी अपना पथ पर चल रहे हैं ठाकुर जी के पथ पर, वो ज्यादा भाग्यवान है। तो सब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा ये श्री बड़दा किसे अंतर जी का बात, अंतर का बात सुन रहे हैं और ऐसे बात बोले हैं जो हमको बहुत चमक में आ जाता है। श्री बड़दा बोल रहे हैं ठाकुर ऐसा परसमनी है जिसको छूने से वो सुना हो जाता है, लेकिन ठाकुर ऐसे परसमणि है, वो उनको जितना डिसाइपल्स है उनका शिष्य है उन्हें सबको परसमणि बना दिए हैं, जैसे वो जिनको भी टच करते हैं वो भी अपना एक परसमणि बन जाता है, दूसरे को टच करने से वो भी एक परसमणि बन जाता है। ऐसे परम दयालु श्री श्री ठाकुर जो ऐसे कर रहे हैं, बार बार उड़ीसा आए हैं, बार बार हमारा इस जगह में आए हैं, बार बार हम उनको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, तो क्या बोलूं कैसे बोलूं, पुरी में आके जैसे रह गए हैं। समुद्र उनको इतना अच्छा लगता था, तो श्री बड़दा जी को पूछा गया था कि आप पुरी में जो बार बार आते हैं पुरी में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, श्री बड़दा जी बोले थे हमको समुद्र बहुत अच्छा लगता है। पूछा गया था बड़दा क्यों समुद्र क्यों अच्छा लगता है, श्री बड़दा उस दिन बोले थे समुद्र मेरे को इतनी इसीलिए अच्छा लगता है, ऐसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन समुद्र सबसे अच्छा मेरे को इसलिए लगता है, जैसे हमारा सृष्टि हुआ है व्योम से, आकाश से, समुद्र का भी सृष्टि हुआ है वो आकाश से, लेकिन आकाश अनंत है, असीम है, समुद्र भी अनंत है लेकिन समुद्र का एक सीमा है, असीम नहीं है। तो समुद्र मिलता है कहाँ पर, मिल जाता है अपना होराइजन पे मिल जाता है, अपने को समर्पण जैसा भाव दिखाता है वही महा आकाश का ऊपर, और किसी को आकाश का रुकावट कभी नहीं होता है, ऑब्स्टेकल कभी नहीं होता है, लेकिन जो श्रृंग होता है, जो पर्वत होता है, पहाड़ होता है, वो थोड़ा बहुत क्या करता है, वो आकाश को थोड़ा रोक देता है, पीछे वाला व्यू को थोड़ा ब्लॉक कर देता है, लेकिन समुन्द्र जो है वो इतना बड़ा है लेकिन ब्लॉक नहीं करता है, महाकाश को ब्लॉक नहीं करता है, अपना समर्पित जीवन दिखा रहा है, वो होराइजन में मिलते रहता है, वही हमको सबसे अच्छा लगता है। बोलिए तो
कौन बोल सकता है ऐसा बात। इसीलिए परम पिता का जो अपना सृष्टि है वो खुद लाए हैं अपना लीला को प्रकटित करने के लिए। श्री श्री वरदा को वो खुद लाए हैं, इसीलिए उनको बोले हैं जे जो वही है, जो वही जो है वो हम ही है। इसीलिए बार बार वो बोलते आ रहा है श्री श्री वरदा। इतना सारे वो लीला किए हैं, ज्यादा उसका समय में नहीं जाऊंगा और सीधा मैं आ जाता हूँ अपना और कुछ बात में, पर्सनल बात को भी आ जा रहा हूँ। जैसे पुरी में कितने बार हम लोग दर्शन जो किए हैं, दर्शन करते हैं, जब उनका बातचीत बंद हो गया था, थोड़े बहुत बंद हो गया था, उसी टाइम में एक पॉपुलर स्टोरी था, बहुत सारा पॉपुलर स्टोरी एक अच्छा चलता था। जैसे वो सिंगिंग बार्ड था दो, और दो पक्षियां जो थे और बढ़िया गाना वो गा रहे थे, और उनको एक मर्चेंट पकड़ के लाया और पकड़ के ला के उनका अपने पास में रखा, सुने गोल्डन पंजुरी बना दिया। और एक पंजुरी एक पक्षी को पकड़ के लाया था, दूसरा पक्षी जो था वो उड़ गया था, पेड़ के ऊपर बैठा था। लेकिन उसको रखने का बाद वो पूछा गया था अपना गाना क्यों गा रही, क्यों नहीं गा रही है गाना। तो बाढ़ को पूछा स्टोरी, ये मर्चेंट जो बोल रही है तुम गाना क्यों नहीं बोल रही हो, क्या बात है, इतना मुंह क्यों दुखा के बैठती हो। बाढ़ बोलती है दे मेरा जो दोस्त है उधर वो रह गया है, उनका बात मेरा अभी तक कुछ नहीं है, कैसा हाल में हुए, तो आप कृपा करके जाइए उनका बात मेरे पास ले आइए और उनको बात सुनने के बाद मैं गाना गाऊंगा। क्योंकि वो सोच रहे थे कैसे मैं यहाँ निकलूं, ये तो सुने का पंजरे में मैं बंधा हुआ हूँ, जैसे हम लोग का अभी सब घर में बंधा हुआ है कोरोना के डर से। इसलिए वो सोच रही है कैसे मैं मुक्ति मिलेगा मेरे मेरे को। वो मर्चेंट गई गए और वो पेड़ का नीचे खड़ा होके वही बाढ़ को बोल रहे हैं, पखी सुनो तुम्हारा दोस्त को मैंने लिया है गाना, लेकिन वो बंद कर दिया है, वो मैसेज दिया है, आप कैसे हो आप बोलो उनको, उन आपका बात सुनकर उनको गाना शुरू होगा। इमीडिएट सुनने के बाद वो पखी गिर जाता है, और गिरने के बाद मर्चेंट देखता है वो मर गया है, वो आके इमीडिएटली अपना बाढ़ को बोलता है मैं गया ये बात बोला, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है वो हमारा बात सुनने के बाद इमीडिएटली वो गिर गया, और इमीडिएटली गिरने के बाद क्या हुआ ये, और वो मर गया। ये सुन के ये जो बाढ़ है वो भी इमीडिएटली गिर जाता है पंजरी के अंदर, और वो भी मरने जैसा गिर जाता है। वो बोले अरे अरे वो हार्टफुल हो गया अपना बंधु का बात सुन के, इसलिए उनका सुने का पंजरी का जो गेट है उनको खोल दिया। खोलने के बाद वो जो बाढ़ है इमीडिएटली उड़ के भाग गया। क्या था, मुक्ति का संदेश था, कैसे चलना है। वो बंधु उनको सिखाया दिया था, बातचीत नहीं किया था लेकिन उनका बंधु उनको सिखाया दिया था, इसीलिए वो मंदिर से निकल के चला गिया। ऐसे श्री श्री वरदा जब लास्ट पीरियड में बातचीत बंद किए थे, उनका चलनी में उनका आचरण में इतना सब काम किए हैं, इतना सारा एक्सपांशन हुआ उसी टाइम में, जितना फोटो वगैरह आप लोग सब स्लाइड में दिखा रहे हैं ये सब वही निदर्शन है। श्री श्री वरदा बातचीत कम करके बहुत सारा जीवन का संदेश हमको दिए हैं, उनको लेके चलेंगे। छोटा छोटा बच्चे बातचीत कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं। अगर हम श्री श्री वरदा जी का जीवन देखेंगे, नाम ध्यान का बात करेंगे, या मंदिर गढ़ाना बोलेंगे, या दीक्षा बोलेंगे, या प्रेयर को सिस्टमेटाइज करेंगे, या सत्संग को एक्सपांशन करेंगे, किसी भी तरह किसी भी सोचिए, सब श्री श्री वरदा का ही जो अवदान है। इसीलिए वो उनका ठाकुर जी को जो अपना ठाकुर ही समझते थे, पिता छोड़ के अपना ठाकुर जी समझते थे, ब्लाइंडली फॉलो करते थे। इसीलिए श्री श्री वरदा जो बोलते थे ये हमारा अभी तक लिखा नहीं है। अच्छा लोगों के कौन है, भला आदमी कौन है, हम बोल सकते हैं जो चिता चैतन्य लगाते हैं अपना साधु ड्रेस में है, दान धर्म करते हैं, अपना अच्छा बात बोलते हैं, मीठा बात बोलते हैं, वही शायद अच्छा आदमी है। सीसी ठाक सीसी बड़दा बोलते हैं बच्चे लोग को, बच्चे लोग बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, लास्ट को सीसी बड़दा बोलते हैं भालो आदमी के ना जे अन्य भालो देखते पारे सही भालो लोग। बोलिए तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये लिखा गया है भालो लोग से जो अन्य भालो देखते पारे। हम लोग का अभ्यास नहीं है, दूसरे का अच्छा हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम भला आदमी नहीं बन सकते हैं। जब दूसरे का भला देखेंगे तब वो अच्छा आदमी बनेंगे। दो लड़का बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हो, नहीं नहीं बर्दा ऐसा नहीं है, अरे मैंने देखा तुमने बातचीत किया है, क्या बातचीत करते हो, नहीं नहीं बर्दा ऐसा नहीं है, अरे झूठ मत बोलो, मैं देखा है तुम लोग बातचीत किया है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा बोला उचित, अपना के बोलार मत नहीं।
আপনাকে বলার মতো নেই এই কথাগুলো, এরকম ভাবে বলা দরকার। ও সমঝ গে, ঠিক হে, হাম লোক ঝুট বলতে থে শিশি বড্ডা কো, এসে বাত বলনা চাহি, এসে বাত বলনা চাহিয়ে। মোহনদা উনকা ড্রাইভার হে, ও চলা রহে হ্যাঁ, স্পিড মে চলা রহে হ্যাঁ, হামসকো ক্রস করকে স্পিড লেকে ভাগ রহে হ্যাঁ, শিশি বড্ডা উনকো পকড় রহে হ্যাঁ। সুনো সুনো, হামস কেউ বনা গিয়া হে না, স্পিড ব্রেকার হে, স্পিড কম করনে কে লিয়ে, স্পিড কম করনে সে এক্সিডেন্ট কম হোগা, তো কেউ ব্যাক করো, উসি হামস মে ফির চড়াও, ফির ব্যাক করো, ফির লেকে ফির আগে চলো। ইসকা এসা বাত কৌন বোল সকতে হ্যাঁ, ওই হে শ্রী শ্রী বড্ডা, আপনা জিন্দগি কা হর ক্ষণ, ये अपना मान, अपना किसी आदमी को आदमी बनाने के लिए श्री श्री बड़दा का इतना अवदान है। जहां पे भी देखिए, जितने भी जगह कहाँ जगह पे खरीदा गया गया है, पहला मंदिर जो गुवाहाटी में हुआ है उसी से लेके कितना 108 तो था, उससे बहुत सारे अधिक मंदिर अभी हो गया। सबका बोल में श्री श्री बड़दा और आचार्य परंपरा है, और चुपचाप अपना लास्ट को अपना वॉइस बंद करके पूज्यपा दादा को सृष्टि किए हैं, पूज्यपा दादा लेके चल रहे हैं। अभी वही, अभी से अभी वही धारा चल रहा है, नित्य चले तार लीला लोकलो काम तोरे, धन्य से ही देखे जार भक्ति जार जागृत अंतरे। हम लोग का अगर भक्ति जागृत कर देंगे तो देखेंगे श्री ठाकुर ही अपना लीला कर रहे हैं। इसीलिए उनका जन्म या तिरोधन वो कुछ नहीं है, उनका श्री ठाकुर जैसे बोल रहे हैं ना, अमर मतो को छिलो না আমার মতো কেউ হবে, আমি না যে আমি না ভোগী না আমি ত্যাগী, আমি বিবর্তনী। সেই মতো শ্রী শ্রী বড়দার না জন্ম না তিরোধান কিছু নয়, ও চির অতন্দ্র, চিরদিন থাকছেন, চিরদিন ও আছেন, তার লীলা শ্রী ঠাকুরের লীলা, এই ধারা আচার্য পরম্পরায় ধারায় ও চলেছে। সেদিন অগস্ট 5 তারিখ সন্ধ্যা 6টা 9টা সময় শ্রী শ্রী বড়দা এইখানেতে, এই আমারা উড়িষ্যা মে সমুদ্র কা কিনারে মে যে ঠাকুর বাড়ি বনা গিয়া হ্যাঁ, জিনকো 10 বার ও আয়ে হ্যাঁ, ছোটে বচ্চে কা টাইম মিলানে সে 11 বার হো গিয়া উনকা আনে কা, আর উসি টাইম সে কিতনা বার হো গিয়া ও ছোড়নে কে মন ছোড় কে নেই গয়ে, আর লাস্ট কো ইহি ও রহ গয়ে, আর উসি টাইম কা যে সিনেরি হ্যাঁ, প্রেয়ার টাইম কা সঙ্গ কা সাথ, জিসে উনকা আপনা শরীর ছোড়তে হ্যাঁ, আর উসি কে সাথ साइलेंस हो जाता है, अपना सारा शहर साइलेंस हो जाता है। कितना गाड़ी, कितना मोटर कार, कितना मोटरसाइकिल, कितना स्कूटर, किसी का साउंड को साउंडलेस हो जाता है, सब पूरा लोकारण्य हो जाता है। श्री श्री बड़दा को हम लोग जाके दर्शन करते हैं पार्थिव शरीर को, और देखते हैं पूज्यपाद दादा वहीं पे बैठे हुए हैं, ऊर्ध्व नयन करके बैठते हैं, ठाकुर मंदिर का सामने ही बैठते हैं, उनका सब लीला किया जाता है। तो उसको अगर वर्णना करने के लिए मेरे पास भाषा नहीं है, लेकिन देखता हूँ मंदिर का काम लेकिन चला, मंदिर का जो नित्य नियमित एक्टिविटीज था, कुछ दादा ने निर्देश दिए, ठाकुर जी का काम रुकेगा नहीं, और क्योंकि ये तो काम चलते रहेगा, ठाकुर जी का काम रुकेगा नहीं, और ठाकुर जी का काम नहीं रुका, प्रेयर नहीं रुका, भोगराग निवेदन नहीं रुका, और बाकी ये सब काम चलते रहा, और अनंत काल लीन हो गए श्री श्री बोर्डा। समाधि है पुरी में, और तीर्थ स्थान बन गया है, और ये तीर्थ स्थान जो हो गया है सारा भारत वर्ष क्यों, ऑल वर्ल्ड से कभी कोई भी आते हैं और आके देखते हैं श्री श्री बोर्डा का स्मृति उच्चारण करते हैं, पूरी ठाकुर जी का पास अपना प्रणाम निवेदन करके अपना जीवन का जो जो अमृत है वो पान करके जाते हैं। इसलिए उनको क्या बोलेंगे, देखते हमारा टाइम भी निकल जाता है, और दूसरे भक्त है वो जरूर वो देखेंगे श्री श्री बड़दा जी के पास। और एक एक बात बोल के मैं अपना बात को मैं विराम करता हूँ, श्री श्री बड़दा पूरी में ही बैठे हुए हैं, उसी टाइम में एक फॉरेनर्स आए थे, एक लेडी आए थे, और देखे श्री श्री ठाकुर जी का जो बेयर बॉडी है वो देख के वो बार बार पूछ रहे हैं, वाई योर गॉड इज इन बेयर बॉडी, वही उनका ऊपर में ड्रेस नहीं है क्यों, ये क्यों क्या बात है, नीचे तो मैंने अपना वेस्ट से नीचे तो ड्रेस है, ऊपर में बेयर बॉडी क्यों है, कितने सारे समझाए उनको, उनको समझ में नहीं आया। लास्ट को शिशि बर्दा के पास उनको लाया गया है, और पूछ रहे हैं शिशि बर्दा को दे व्हाई योर ठाकुर इज बेयर बॉडी, शिशि बर्दा टोल्ड बिकॉज ही हैज सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द यूनिवर्स, बिकॉज ही हैज सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द यूनिवर्स, ठाकुर हैज सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द यूनिवर्स, शिशि बर्दा टोल्ड एक्चुअली।
सिस्टम फॉर द सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर सीसी ठाकुर। जैसे जेसस ने बोला है, हु लव्स हिज फादर मोर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। वन सिर्फ वन समबड़ी हु लव्स हिज मदर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। वन इज लव्स हिज ब्रदर एंड सिस्टर इज नॉट वर्दी ऑफ मी। सीसी ठाकुर सेज, हु लव्स एनीथिंग अदर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। लाइक वाइज श्री श्री बोर्दा लव्स ठाकुर, मैंने लाइक एनीथिंग, जो कोई भी हमारा लिए इतना आदर्श रखे हुए। अद्यावधि सही लीला करे गोरा राय, केहू केहू भाग्यवान देखी बार पाए। ये लीला चलते आ रहे हैं, हमारा काम है। हम जैसे कोरोना का भय से अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन ऑनलाइन का माध्यम से कहाँ लखनऊ, कहाँ कटक, कहाँ सारा विश्व के साथ हम जुड़े हुए हैं। कितना गुरु भाई लोग हैं, कितना जो अपना सुस्तैनी गुरु भाई है, कितना भाव व्यक्त करते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, कितना बढ़िया भजन कीर्तन होता है। ये सब देख के लगता है कि ठाकुर जी का लीला, जैसे 1 साल पहले पूजनीय बाबा जी आए थे भुवनेश्वर, वो बोलते थे कि 2020 तक जैसे श्री ठाकुर जी का पूरी आगमन का 100 साल हो जाएगा, शतवर्षी तक, तो जैसे उड़ीसा में हर घर में ठाकुर को पहुंचाना है। मैं देख रहा हूँ कि उड़ीसा खाली नहीं है, अपना भारत खाली नहीं है, सारा विश्व में ये बात फैल गई है। ठाकुर जी को लेके हम लोग का जिंदगी को जो असलियत है, जिंदगी को जो उपभोग करने का जो तरीका है, वो बदल गया है। चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी एपिडेमिक हो, वो क्यों एपिडेमिक हो, कुछ भी नहीं है, हम किसी को भी खातिर नहीं है। परमपिता है, परमपिता को लेके हम चलते हैं, और ये हमारा जिंदगी है। हमको राज रास्ता मिल गया है, नेशनल हाईवे मिल गया है, उससे क्या चिंता है। वो तो परम पुरुष का बार्ता बाई है, उनको परम पुरुष, वो तो श्री श्री बरदा पूज्यपाद दादा का ध्वजा बाई है, और ध्वजा बाई आचार्य परंपरा हिसाब से वो चल रहा है। उसी धारा को लेके हम चलेंगे, देखेंगे हमारा जिंदगी सुंदर से सुंदरतर बन जाएगा। आप लोग का ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा दादा, मेरे पास और भी दादा हैं, बातचीत करेंगे। अपना श्रद्धा फिर से अपना जी अपना कृतज्ञता मैं रखता हूँ फिर के पास, जो बुलाए हैं आप सब गुरु भाई को मेरा अंतर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और आप सब कुशल मंगल में रहे। ठाकुर जी का लेके आप, ठाकुर जी को लेके आप चले, यही बात मैं करके मैं समापन करता हूँ। अगर हिंदी बोलने में कुछ गलत हुआ होगा, जरूर मेरे को क्षमा दे दीजिएगा। ठाकुर जी का भाव लेके आप जरूर अनंत शांति पाएंगे, यह हमारा अंतर कहता है। जय गुरु। आवाज आवाज कट गया, कट गया था क्या? नहीं, आ रहा दादा, बहुत सुंदर दादा आपसे हम लोगों ने सुना, हम तो वाकई भावुक हो गए थे। आपने जिस तरह उपस्थापना किया, प्रतिटी इंसिडेंट पूज्यपाद श्री श्री बड़दा का, जो आपने प्रतिटी इंसिडेंट आपने उपस्थापना किया, मुझे लगता है कि एक जैसे सिनेमा का एक दृश्य मुझे समझ में आ रहा था। और मैं जब से शुरू किया अंत तक मैं पूरा भावुक हो गया था, और जैसे रील की तरह मैं देख रहा था कौन सा ब्रेक एक पर आपने बोलते चले जा रहे थे। बहुत सुंदर दादा, ये जो दिन वाकई लखनऊ सत्संग विहार, जो कोई भी जुड़े हुए हैं सब एक अविस्मरणीय और स्मृति जैसे रहेगा। और बहुत सारे बड़दा के जो इंसिडेंट हमने सुना नहीं था, वो आपने यहाँ पे एक बताया है जो सबके दिल में ये बैठ के रहेगा दादा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सार्विक मंगल कामना के लिए। श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, और आप सुख शांति में रहिए और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, यही हम निवेदन करते हैं। जय गुरु। मैं अभी श्री वेदवाणी गांगुली को निमंत्रण करता हूं, और क्योंकि वो भी जैसे कि श्री अजीत गांगुली जी के सुपुत्र हैं, और जैसे कि आश्रम में वो रहते थे व रहते हैं, तो वो श्री श्री बड़दा के पास उनका बचपन बिताए हैं। तो उनसे हम सुनना चाहेंगे कि उनको श्री श्री बड़दा कैसे थे, क्योंकि हम लोगों ने तो इतना उनका साथ मिला नहीं,
उन्हीं से मुख से हम सुनना चाहेंगे कि प्रभु कैसे हैं। तो आइए सुनते हैं वेदवाणी का अंकुर। वेदता आप आगे आगे हमारा आवाज सुना जाते बहुत सुंदर दादा, आवाज सुना जाते बोलो। अच्छा 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 ठीक है। हाँ दादा তিনাদপি শুনিছেন তরোড়িপু সহিষ্ণু না অমানীয় মানবেন কীর্তনীয় সদাহারি। পরম প্রেময় শ্রী শ্রী ঠাকুর আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। উপস্থিত সাড়ে ভক্ত মন্ডলী, মাতায় অর বচ্চে সবকো যথাস্থান মে মেরা আনন্দিত জয় গুরু আর প্রণাম। मैं सबको दे रहा हूँ, ऋतिकगण लोगों को देख रहा हूँ, सनातन दा को भी सुना। सनातन दा को मैंने, सनातन दा शायद मुझे पहचानेगा नहीं, बट मैंने उनको कई बार शिशि वर्धा के सामने देखा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बात सुन के। आज मुझे खुद ही ऐसा हो रहा था कि शायद मैं अपना पुराना बचपन में खो गया हूँ। सनातन दा को मेरा अशेष जय गुरु, अशेष जय गुरु। दादा कभी भी एक बार जरूर बात कीजिएगा, आपका बात सुन के मैं भाव मेरा मतलब बहुत आई एम गेटिंग इमोशनल यू कैन से ओके। बट मैं तो बोर्दा के बारे में अगर बोलना शुरू करूं तो बोलने मतलब कुछ मेरे को वो नहीं आता, वर्ड नहीं आता, क्योंकि मेरा उनके साथ जो जिंदगी है वो शायद एक भक्त भगवान टाइप का जिंदगी मुझे लगता है। शायद मैं भक्त नहीं हूं लेकिन उस तरह का जिंदगी है, क्योंकि जब मैं समझता भी नहीं था ये धर्म क्या है, ये ठाकुर क्या होता है, ये भगवान क्या होता है। और मेरा उम्र आप लगा लो कोई 3 साल का था। अब ये 3 साल की उम्र में आदमी ठाकुर भगवान प्रार्थना नाम इष्टभूति क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता। फिर भी दादा, मेरा दादी थी कमला वाला गांगुली, श्रीमती कमला वाला गांगुली का जो मतलब एक एक अवदान है हमारा जिंदगी में, एक हमारे पूरा गांगुली परिवार का जिंदगी में, ये वही जानते हैं जो इस फैमिली के हैं, हमारे ठाकुमा हमारा दादी। तो ये सुबह जब मेरा उम्र करीब करीब 3 साल था तो मुझे लेके सीधा बर्दाबाड़ी जाते थे, मुझे और मेरे छोटे भाई अनिश को, और हमारा एक दीदी थी मिनोती और दादी कमला वाला गांगुली, हम चारों सीधा घर से बर्दाबाड़ी जाते थे। और एक बर्दाबाड़ी के उस टाइम आप लोग जो पुराना स्ट्रक्चर देखे होंगे जो लोग, वहां एक छोटा सा कुआं होता था बर्दा का, घर से जस्ट निकल के बाहर एक कुआं होते थे, हिरणमय माँ का नाम आप लोगों ने कई लोग सुना होगा, वो वहां बैठे रहते थे हमेशा, वही हिरणमय माँ के पास हम लोग बैठे रहते थे। बर्दा निकल के आते थे, चाहे वो सुबह का 4 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो, अकॉर्डिंग टू प्रार्थना का टाइम हम लोग वहां पहुंचते थे। और उनके साथ ही पैदल कहां आते थे, नाट मंडप तक। अब आपको यहाँ पे एक बात आता है, वो जो मैंने पर्सनालिटी जिंदगी में देखा था 3 साल की उम्र में, आज भी जब मैं सोता हूं या कभी भी एक बार पीछे सोचता हूं तो वो जो एक चेहरा, हर किसी आदमी को किसी ना किसी का चेहरा नजर आता है, वो जो दिव्य चेहरा मेरे सामने नजर आते हैं, मैं आज भी उसको दर्शन करता हूं, प्रणाम करता हूं, विनम्र भाव से मेरा उनको श्रद्धा ज्ञापन करता हूं। आप लोगों ने बहुत लोग सुना होगा जगमोहनदा, जगमोहनदा का जो जीजाजी है हमारे सद्य दिल्ली के जगमोहन रायदा, या जगज्योति सेन, जगज्योति रायदा का जो दामाद है उनका नाम है चक्रवर्ती, आई एम गेटिंग अ लिटिल, अच्छा मैं नाम बता रहा हूं आपको, उन्होंने श्री श्री बोर्दा के ऊपर एक गाना लिखा था। उस गाना का 2 लाइन आप लोगों को सुना रहा हूं। विश्व पितार ज्येष्ठत नय पूज्य मोदेर বরদা পেষ্টে শনি রত তাকে জানাই মোদের শ্রদ্ধা। বিশ্ব পিতার জ্যেষ্ঠত নয়
পূজ্য মোদের বরদা পৃষ্ঠে শনি রত তাকে জানাই মোদের শ্রদ্ধা। ये मेरा उनके प्रति एक भाव था। अब मैं बता रहा हूं, वो जो उनके साथ में आता था तो एक आदमी को जिंदगी में चलना, उठना, बैठना, बात करना, सुनना, सुनाना, बोलना, बोलना, चलना, चल के दिखाना, ये सब कैसे होता है? ये जो आचार, जो वर्ड अब इस्तेमाल करते हो, जो आज आप शिशि दादा के अंदर, बाबाईदा के अंदर देखते हैं, बिल्कुल और भी पर्सनालिटी के साथ, बच्चे के तरह, एज ए चाइल्ड, चाइल्डिश एटीट्यूड, जहां पे गंभीर होना था गंभीर, जैसे सनातन दा बोल रहे थे बिल्कुल। और हमें तो वो बंधु बोल के पुकारते थे, हम करीब 5-6 लड़के उनके साथ अंदर बैठते थे तो हमें वो बंधु कह के पुकारते थे। वो सब बोलने से आंख में पानी आ जाते तो बंधु बोल के पुकारते थे। तो वो शुरू होता था और वो शुरू होके और शाम को घर चले जाना। आप ये सोचिए, एक बच्चा 3-4 साल उम्र से लेके और 3-4 से उम्र होते और 16 साल जब मैं माध्यमिक दिया हूं तब तक हम लोग सुबह जब आते थे प्रार्थना करने के बाद सत्यानुसरण पाठ होता था। सत्यानुसरण पाठ होने के बाद जब बरदा बोलते थे ये वाणी को आज आलोचना करो, कितने बार, कितनों बार आलोचना, लेकिन वो आलोचना के बाद अगर मेरे से आलोचना में, अब मैं क्या जानता हूँ ठाकुर जी के बारे में, अगर मेरा उम्र 7, 8, 10, 12, 16 भी है, आप सोचिए धर्म क्या होता है पता नहीं, तो उनके बारे में क्या डिस्कशन करेंगे। एक वाणी बोलते थे, हम लोग अगर डिस्कशन करें, कभी एक डांट नहीं पड़ा, एक डांट नहीं पड़ा उन्होंने, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसका मतलब ये है। मतलब आप लोग सिर्फ बोलते हैं कड़ाई पावर जननी, आज हम लोग अगर मैं कुछ पाया हूं तो वो कड़ाई पावर जननी का एक एग्जाम्पल सेट है। अब सुबह हम लोग आए, हम लोग अब कहां जाएंगे, स्कूल जाएंगे, अब हम लोग तो प्रार्थना वर्तना करके फिर घर जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, ना घर होगा, ना प्रार्थना होगा, ना खाना होगा। उन्होंने खाना खाने का ही वहां प्रबंध कर दिया। हम लोग वहां खाना खाते थे, खाने के तरह भी एक क्या आनंद, क्या वो स्वाद, क्या वो, उसको खा के हम लोग स्कूल गए, स्कूल से फिर घर, घर स्कूल जाके फिर 8:30-9:30 बजे तक पहुंच जाना हुआ। वहां पे नाम पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब जी, आलोचना प्रसंग, और भी जितने सारे सरस्वती जो भी पाठ होते थे, गुरु ग्रंथ साहिब जी तो उस टाइम रोज होते थे, सुनना, उसके बारे में बोलना और वो करना। तो ये एक एक चीज को, एक एक चीज को, फिर रोटेशन आता था शाम के टाइम। शाम के टाइम जब वहां बैठते थे, बैठने के बाद मैं एज ए चाइल्ड का बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आज धर्म का बात कुछ बोलूंगा ही नहीं। जब मैं पहुंच जाता था वहां पे, एक बच्चे को शाम को क्या चाहिए, जोड़ के रहना, कैसे जुड़ सकते हैं, देखिए जोड़ के कैसे रहना, ये आप आचार्य जो बताएंगे कैसे जुड़ के रह सकता है एक बंदा। एक बंदा अगर 12-14 साल तक, ठाकुर जी कहते हैं अगर उस तरह से मोल्ड कर दोगे, आज 54 साल के बाद भी वो उस तरह से ही मोल्ड होके रहेगा, चाहे वो दुनिया का किसी भी शहर में चले जाए, उसके सामने कितना भी संपद आ जाए, उसके सामने कुछ भी आ जाए। शाम को क्या मिलता था, कभी वो बैठ के बच्चे की तरह हमारे तरह एक टॉफी फेंक देते थे। अच्छा, अगर हम उस टॉफी को कैच कर लेते थे तो हमें तो आनंद होता ही होता था, उनको भी आनंद होता था। अच्छा, तुमने कैच कर लिया, ओ वाह, बढ़िया बढ़िया, मतलब वो चीज जिन्होंने देखा है उनको पता है। फिर शाम दोपहर के टाइम जब वो खत्म हो जाता था, पाठ वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता था, तो हम लोगों को किसी दिन जामरुल खाने के लिए मिलता था, किसी दिन खीरा खाने के लिए मिलता था, किसी दिन अमरूद खाने के लिए मिलता था। तो एज ए चाइल्ड जो मैंने जिंदगी में पाया, इट्स लाइक ए, आई एम फीलिंग लाइक ए फादर्स ब्लेसिंग, जिसको कहते हैं फादर ब्लेसिंग आई एम गिव। तो इसके साथ 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 ये जो बोले আদো কথার সময় হতে কোড়ে কোড়িয়ে যা শেখাবি সেইটি ছেলের হবে মোক্ষম হিসাবে চল নয় পৌঁছাবি। উসি কে সাথ সাথ আমি কে শিখায়া, মেরে কো বলতা এই নামকরণে আতা হ্যায়
मैंने बोला हाँ आता है। कितने बार राधास्वामी बोला आगे, राधास्वामी बोलना क्या होता है ये ही नहीं पता, राधास्वामी होता क्या ये नहीं मालूम, कितने बार बोला। मैंने बोला आगे गिना नहीं, कल गिनना आगे। अगले दिन फिर पूछा, पूनमी बक्स के ठीक अंदर बोर्डा का जहां चौकी था उसके कोने पे मैं बैठता था, नोनीदा के और बोर्डा के बीच में। अगले दिन पूछा कितना बार बोला, मैंने बोला आगे हाथ में तो गिना नहीं होगा 300-400 बार, कल फिर गिनना कितना बार हुआ बोलना। अगला दिन गिन गिन के नाम किया मैं, एंड इट्स बिकम अराउंड 400 टू समथिंग, और मैं एग्जैक्ट फिगर बताया उनको आगे इतना हुआ। बोला गुड, ऐसे करके रोज नाम करना, और नाम करेगा तो ठाकुर जी का बात भी बीच बीच में सोचते रहना, ये नहीं कि सिर्फ नाम, ठाकुर जी के बात सोचते रहना। उस टाइम पता नहीं था, उस टाइम पता नहीं था क्या ठाकुर जी का नाम होता है और किसके साथ नाम करना। आज पता चलता है कि क्या सिखा दिया था उन्होंने, क्या क्या मेरे अंदर, मेरे शरीर के, मेरे हड्डी के अंदर, मेरे नस के अंदर उन्होंने क्या इंजेक्ट कर दिया। आज मुझे पता चलता है कि मैं क्या पाया हूं जिंदगी में। एक दिन का कहानी आपको बताऊं, मैं करीब दोपहर का 11:30 का बात हो रहा था, सीसी बोर्डा का चौकी नया नया बना, बोर्डा आके बैठने के लिए जाएंगे। राधा कंत दा बोल के एक मिस्त्री होता था ठीक बोर्डा के, जहाँ चौकी उनके पीछे एक कारखाना होता था। अगर दादा टाइम हो जाए तो मुझे बता देना। तो चौकी बना, अब वहां पे बोर्डा आया, बोर्डा बैठने गए तो एकदम से गुस्सा हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम सारे वहां पे जितने भी लोग थे, हम तो और भी छोटा छोटे, तो हम कुछ समझ में नहीं आया। राधा कांत दादा को बोला, राधा कांत दादा आए, राधा मिस्त्री दा बोला ये कैसे चौकी बना। दादा बोला क्या हुआ, आपने जो माप बोला था, माप तो ठीक है, हमने कुछ भी नहीं समझा। फिर तब तक उन्होंने बोला इस चौकी को अभी यहां से उठाओ, तुरंत उस चौकी को उठाया गया, तुरंत वो चौकी अंदर गया, बर्दा उनके पीछे पीछे गए, नीचे से उस चौकी को इतना काटा गया, उसका पहिया काट के फिर उसको आके लाया गया, फिर बर्दा उस चौकी में बैठे। अब आप लोगों को बताता हूं उन्होंने क्यों उस चौकी में नहीं बैठे थे। उन्होंने देखा जब मैं बैठने जाऊंगा उस चौकी में तो श्री ठाकुर जी का जहां पे विग्रोह रखा हुआ है उस विग्रोह से उनका चौकी का माप ऊपर हो रहा था, कैसे मैं बैठ सकता हूं उस जगह पे। तब मैं समझा नहीं था, लेकिन परसों मैं एक कहानी सुन रहा था तब मुझे लगा कि के थे वो। हुआ क्या था एक बार, दरवाजा बंद कर देना, हुआ क्या था एक बार कि जहां पे सीता जी रावण जी का वहां पे बंद थे उस वन में, तो सीता जी के हनुमान ने पूछा कि आप ये मांग पे सिंदूर क्यों लगाते हो मां रोज। तो कह रहा है मैं प्रभु राम मेरा स्वामी है इसलिए मैं रोज उनके जीवन के लिए, उनके लंबा आयु दीर्घ जीवन के लिए ये मांग भरता हूं। इतना सुनना और हनुमान जी क्या किया, उस दिन के बाद अपना पूरा शरीर में सिंदूर लगाया करते थे। मुझे लगता है शिष्य बरदा आप अगर सत्यानुसरण ग्रंथ उठा लेंगे तो वो पूरे सत्यानुसरण ग्रंथ को अपने शरीर में उन्होंने माख लिया था, पूरे शरीर में अपने अंदर ऐसे उन्होंने उसको अपने नस में अपने हड्डी में ऐसे बैठा लिया था कि जब पूछा गया था श्री ठाकुर ने पूछा ये जो मैं बानी दिया ये सब दिया ये किसके लिए है, तो बहुत भक्त ने बहुत बात बोला था, लेकिन श्री बोर्दा ने बोला था ये सारे बानी आपने मेरे लिए दिया है। ये होता है भक्त, ये होता है आचार्य, जो करके सिखाता है, आचरण करके जो सिखाता है वो होता है आचार्य। आज के दिन में भी आप देवघर जाएंगे तो आप देखेंगे दादा एक एक उनका चाल चलन उठना बैठना करना वो आचार्य का लक्षण। एक दिन मैं बहुत दुखी हो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था बोर्डा के सामने बैठ के कि मेरे सामने दो लड़का को टिकट मिला था, बोर्डा ने मेरे तरफ देखा हंसा चले गए। मेरे को और भी थोड़ा मन में लगा क्या हुआ, उनको टिकट दिया मुझे नहीं दिया, मैं यहाँ बैठे उनके सामने। उसके दो दिन बाद कैरी ब्रेस दबुल के एक लड़का अमेरिका से आते हैं, उन्होंने रशिया से टिकट लेके आया था। आप मानेंगे नहीं उस दिन मुझे 6 टिकट एक लिफाफा के अंदर मिला था और वो सारे रशिया का टिकट था।
मतलब मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा, मैं अगर आज उनके बाद बोलूंगा तो इतने कहानी बोल सकता हूँ, मैं पूरा जिंदगी में 10 किताब लिख दूंगा तो वो खत्म नहीं होंगे। मेरे घर का एक कुत्ता था, कुत्ता एक छोटा सा देसी कुत्ता, वो हमारे साथ सीसी बर्दा के, और सुनिए नाट मंडप में जहाँ ठाकुर जी का नाट मंडप है उसके पीछे अब जहाँ एक छोटा सा नाट मंडप बना है, एक सफेद रंग का हमारे घर में छोटा सा कुत्ता मैं पाला था, वो मेरे पीछे पीछे हमारे ठाकुर माँ के साथ साथ आके बैठा था। उसको कोई पहरादार रोकता नहीं था, वहां पे कोई सिक्योरिटी रोकता नहीं था, वो आके पीछे ठीक ठाकुर घर के पीछे वहां बैठता था, शंख बजता था, वो शंख के साथ अपना आवाज देता था और फिर सत्संग खत्म होने के बाद वो हमारे साथ जाता था। बरदा कह रहा था वो पुराना जन्म में कोई भक्त था ठाकुर जी, इसलिए उसको यहाँ अच्छा लगता है, उसको कुछ मत बोलना, वो ही बैठा रहेगा। वो जब तक मरा नहीं या चला नहीं गया था तब तक वो हमारे साथ वहीं पे आता था और बरदा उसको प्यार से देखते रहते थे। मतलब एक सोचिए, एक कुत्ता के लिए एक उनका प्यार, मैं तो इंसान हूं और तो लोग इंसान है। सीसी बरदा रोज शाम के टाइम सोडा या लीम का पीते थे और हम बच्चे उनके तरफ देखते रहते थे, ये बच्चे बच्चे होने के नाते। तो उन्होंने हर रोज पूरा पीने के बाद इतना सा छोड़ देते थे और किसी ना किसी बच्चे के पास जाता था। हमें भी बहुत बार नसीब हुआ था वो कोल्ड ड्रिंक सुन के हाथ का प्रसाद मिलने का, वो तो कोल्ड ड्रिंक्स है नहीं प्रसाद है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि एक दिन मेरा क्या सौभाग्य हुआ कि मैंने पिछले से पिछले साल का ही दुर्गा पूजा के टाइम में मैंने सोचा मैं तो बरदा के हाथ में प्रसाद मिला, मैं तो दादा के हाथ से भी प्रसाद मिला है, मेरे को तो बाबाईदा के हाथ से, मैं उनका क्लास फ्रेंड होने के बावजूद भी वो तो मतलब एज ए फ्रेंड जो भी जो मिला, सखा होने के नाते, फ्रेंड बोलना गलत होगा, सखा होने के नाते जो मिला मिला, तो मेरे को तो बाबाईदा के हाथ में से प्रसाद नहीं मिला। तो दुर्गा पूजा के टाइम अचानक मैं एक दिन अष्टमी का दिन पहुंच गया, बाबाईदा ग्रीन हाउस में बैठे हुए थे तो मैं भी जाके बैठा। इतना देर में मलाई बोल के एक लड़का है हमारे देवघर में, मेरा भाई का दोस्त है, उसने बाबाईदा को लाके एक झालमुड़ी का पैकेट दिया और मैं उस दिन भूखा गया था बाबाईदा के सामने और मेरे को मन ही मन में आया यार अगर एक मुठ मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और आप लोग मानिएगा नहीं, आंख में आंसू आ जाते ये सब बात बोलने से। उन्होंने सिर्फ एक मुठ खाया और बाकी के बाकी पूरा मुझे दे दिया और मुझे रोना आ गया था। मैंने वहां से उठा, एक मुठ खुद खाया और बाहर जितने लोग बैठे थे सबको बांट दिया कि क्या है इनके अंदर, क्या चीज है ये, मन के अंदर कैसे घुस जाते हैं, ये उनके परिवार। नंद दुलाल दा को मैंने देखा था जो आज दादा बोल रहे थे, एक बार सीसी बरदा गाड़ी में बैठते वक्त उनका सर गाड़ी का जो कोना है वहां पे टच हुआ था, सिर्फ टच हुआ था। और जिंदगी भर मैंने देखा सीसी बरदा जब मंदिर अपना गाड़ी में बैठे थे तो जो एम्बेसडर का NLK 7373 करके वो गाड़ी आज भी नंबर याद है, वो गाड़ी के ऊपर ऐसे हाथ रखते थे ताकि बरदा का सर वहां से घुस जाए और वो टच ना हो। मतलब हर एक एंगल, हर एक छोटा छोटा चीज को जो पुंखानुपुंख जिसको कहते हैं वो वास्तव में आपके शरीर के अंदर, आपको नस के अंदर करके, चल के, बोल के, हंस के, गा के, सो के, करके सिखा देते थे। इसीलिए वो बरदा और मैं उनके ऊपर लिखा हुआ एक कविता के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। अगर कहीं मेरा बोलने में गलती हो कुछ भी तो आप लोग तहे दिल से मुझे माफ कीजिएगा, मैं क्षमा पड़ती रहूंगा। और ये कविता के साथ मैं बांग्ला में है, आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा। तुमि अमर बरदा, कविता का ये मेरा लिखा हुआ है कविता है, कविता का नाम है अमर बरदा। तुमि जे बड़ो बोलोनी तो कोनो दिन, तुमि जे ज्येष्ठ तुमि जे श्रेष्ठ बोलोनी तो कोनो दिन, तोमार रंगे रांगाते पेरे धन्य आमी ए जे अधीन, तोमार गुणे तोमार चलाय तोमार कर्मे तोमार बलाय, তোমার প্রেমে তোমার আহ্লাদে তোমার সোহাগে তোমার প্রসাদে আজকে দেখি সুদিন, করিয়ে দেখালে করে দেখালে চলিয়ে দেখালে চলে দেখালে বলিয়ে দেখালে বলে দেখালে শুনিয়ে দেখালে
শুনে দেখালে আচার আচরণে সদা বিশ্ব পিতার জ্যেষ্ঠ তনয় পূজ্য মোর বর্তা। সবকো জয় গুরু। বেদাদা জয় গুরু। দাদা इसके बाद मैं 10 मिनट आप लोगों का समय लूंगा। हाँ जरूर दादा, मैं अभी ले लीजिए, मैं अभी हाँ आगे का कार्यक्रम। बेटा दादा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिषानंद दा का अभी का कार्यक्रम, हाँ भजन हुआ है, एक भजन और कर लेते हैं। जी जी कर लीजिए, पहले कर लीजिए। हाँ दादा बोलिए, कुछ बोलता है? नहीं ना ना कुछ नहीं। हेलो, बाकी आप कोई है जो भजन रह गया है उनको बुला लीजिए। अच्छा अच्छा, मेरे लिए कुछ मुड़ाड़ी लाल रस्तों की जगह हो तो ज्योतिषानंद। हाँ मुड़ाड़ी मुड़ाड़ी लाल क्या करेंगे? जय राधे। नहीं अभी रुकिए, अभी रुकिए। हेलो जय गुरु। हाँ मोर दादा एक भजन। अच्छा दादा सभी को मेरा जय गुरु। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। मंगलमय स्वीकार हो। तुम कण कण में भ्रमे हुए हो। तुझ में जगत समाया है, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। सभी तुम्हारी माया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार। मंगलमय स्वीकार हो। मंगलमय स्वीकार हो। ओ तुम सबके सच्चे पिता तुम ही हो। तुम ही जगत की माता हो। तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो। तुम ही जगत की माता हो। तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम सहायक रक्षक दाता हो। सहायक रक्षक दाता हो। तुम
सभी को मेरा जय गुरु। मैं आप लोगों से पांच सात मिनट लूंगा, शायद थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाए। मैं आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे प्लीज। हम लोग आज युगाचार्य जो परम पूज्यपाद श्री श्री बोर्दा, आप हमारे आचार्य हैं, आपके जो तिरोधान तिथि है उस तिथि में हम उनको याद करने के लिए सबको इकट्ठा हुए हैं। शुद्ध सनातन दा और मेरा छोटा भाई वो तमाम बातें कह रहे थे जिसे मुझे बचपन की याद आ रहा था। कभी कभार और अभी भी मेरा अगर मैं फोटो दिखाऊं आप लोगों को तो मुझे रोना आ रहा है। जो नाक है तभी फूल गया है क्योंकि आंसू को रोक के रखे। आप परम पिता को अपने पिता के रूप में कभी नहीं देखे हैं, उन्होंने अपने पिता को आराध्य देव के रूप में देखते थे। हमने कोशिश किया है कि उनकी जीवन चलना में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय जो व्यक्तित्व उनके अंदर था वो केवल और केवल अपने आराध्य देव को खुश करने के लिए था। सब कुछ था उनके पास। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं कि बड़ो खोखा जो है वो बाहर से नारियल की तरह है कड़क, लेकिन अगर अंदर घुसेंगे तो ठंडा पानी मुलायम नारियल मिलेगा। जितना डूबेगा लोग उनके अंदर उतना बेमालूम हो जाएगा। मुझे बहुत सारे चीज याद है कि क्रिकेट फुटबॉल सम्राट पेले का खेल दिखाने के लिए बच्चों को मोहन उनके अपने ही कमरे में हम लोगों को उनका खेल दिखाना, सिनेमा हॉल में ले जाना, निधिराम सरदार जैसे सिनेमा दिखाना, ठाकुरबाड़ी को सफाई और सफाई के पारितोषिक के रूप में मानईपुर में ले जाके पिकनिक करना, हिमबाद में ले जाना पिकनिक करना जहाँ जमीन के नीचे से गर्म पानी निकलता है, में ले जाना। कॉलर 26 अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज निकल जाइए और सभा को डिस्टर्ब मत करिए। कॉलर 26 दादा कंटिन्यू करिए दादा प्लीज। कभी वो हम लोगों को रामकर्णाली ले जाते थे, कभी आसाम, कभी उड़ीसा, कभी बंगाल। आसाम जाने का सौभाग्य हुआ था। देवघर में से कौन कौन सी गाड़ी में बैठेगा, किसको दवा क्या चाहिए, किसको क्या खाना पसंद है, किसको वोमिटिंग होता है जर्नी में, सब कुछ उनके पास होता था। और एक केवल ठाकुर जी का एक वाणी को उन्होंने अपने
चरित्र में चरितायत किए थे, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। केवल परमपिता का इच्छा ही केवल इच्छा है, उनका संस्कार संस्कार है केवल। गुवाहाटी में हम लोग थे, वहां पे हम लोगों ने देखा कि गुवाहाटी मंदिर के बाहर के जो थोड़ा सा बरामदा था, सुबह के वक्त वहां बैठ के टोकरी में संतरा आया, मेरे भाई बोल रहे थे वो टॉफी मुड़ी मुड़की हम लोगों को देते थे, फेंकते थे कैच पकड़ो, अरे क्रिकेट खेलते नहीं हो, खेलना चाहिए, तुमको आता नहीं, अरे देखो उसको अच्छा आ गया, तुम भी ऐसे बन जाओ, मोटिवेशन करते थे। उसी तरह वहां हम लोग को संतरा दे रहे थे उस दिन। रात को बच्चे लोग सोए हुए हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, मच्छरदानी किसका गिर गया, कौन किसका पैर मच्छरदानी के ऊपर चढ़ गया, कौन मच्छरदानी को लपेट के सो गया, खुद रात को टॉर्च लेके देखते थे। वहां उस समय बहुत पॉक्स हुआ, वो स्वयं सुबह सारे बच्चे को बुलाए और वहां पे उन्होंने करेला, जो बांग्ला में उच्छा बोलते हैं, छोटा छोटा उच्छे, वो कच्चा खाने को दिया और हम लोग खा गए, बहुत कड़वा था लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ, प्राण की रक्षा की। हम लोग देवघर के बच्चे लोग ठाकुरबाड़ी में, जो भाई बोल रहा था, सब सुबह चले जाते थे, सब लोग नहीं जाता था, सारे बच्चे नहीं आते थे, बच्चे समझते क्या थे, वो जो ठाकुर ठाकुर है हम लोगों को तो पता नहीं, आज भी पता नहीं ठाकुर ठाकुर है, बोर्दा बोर्दा है, बोर्दा क्या है आज भी नहीं मालूम। अभी तो हम लोग श्री श्री बोर्दा बोलते हैं, उनको कोई अलंकार की जरूरत नहीं है, श्री श्री बोर्दा क्या है मैं क्या बताऊं, वो स्वयं बता के गए हैं, वो बोलते हैं अपने मुंह से, मैं और बड़ों का रुपया का इस तरफ और उस तरफ, मैं बड़ो खोका का क्या व्याख्यान करूंगा, सिसी बोर्दा सिसी बोर्दा है मैं इतना जानता हूं, वो अजर अमर है, उन्होंने ठाकुर की हर एक वाणी को अपने जीवन में उतारा। ठाकुर ने बोला है, डू नॉट डाई नॉट कॉज डेथ रेजिस डेथ टू डेथ, मरो नहीं मारो नहीं हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त कर दो, मरो ना मरो ना मारो तो मृत्यु के ही अवलुप्त कर दो। उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से, आचरण सिद्ध पुरुष के माध्यम से, कर्म में जीवन के माध्यम से आपने को अमरत्व प्राप्त किया और कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस इज लाइफ, चेतना का प्रवाह धारा ही जीवन है। उन्होंने अपनी चेतना को कंटिन्यू रखा केवल और केवल परमदयाल श्री ठाकुर को खुश करने के लिए। बहुत कुछ बोलना चाहता था मैं आज, आज मैं अपने जीवन में जो भी हूं जैसा भी हूं, उन्होंने हम लोगों को एक एक बच्चे को तैयार किए थे। ठाकुर जी का एक वाणी उन्होंने अपने जीवन में कैसे आचरण के माध्यम से करके दिखाया, देखिए ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। बंगला में लिखा है, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही तब के नंदना, पितृ प्रीति संचार करती सब देवताओं का वंदना, सारे देवता उनको वंदना करते हैं क्योंकि उनके लिए पिता स्वर्ग था, पिता ही धर्म था और वो पिता स्वयं आराध्य देव था। एक ऐसे व्यक्तित्व जो हर बच्चे को ख्याल करते थे। ये जो बच्चे लोग सुबह स्कूल था लेकिन सुबह प्रार्थना में आना है, अगर किसी दिन भारी बारिश हुआ बच्चे नहीं आ पा रहे तो वो गाड़ी भेज के बच्चे को बुलाते थे, इसलिए कि हम लोग को ठाकुरबाड़ी जाने का जो रेगुलर हैबिट है कहीं उसमें बाधा ना हो जाए।
कंटिन्यूटी रहे। बच्चे आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं, बहुत देर हो जाता है, फिर घर जाते हैं खाना खा के, फिर ऑफिस स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल जाने से पहले 9 बजे उनके पास आएंगे, फिर शाम को ठाकुर बाड़ी जाएंगे। तो बच्चे लोग को सुबह तकलीफ होता था, भूख लग जाता था, तो उसी समय वो मुड़ी मुड़की टॉफी शुरू करते करते उन्होंने वर्तमान सेक्रेटरी ऑफ सत्संग कार्तिक दा को बुलाया, कुछ किया जा सकता है बच्चे लोगों के लिए? हाँ। तो बाहर से, वहां उतना चीज नहीं था, बाहर से टीन के टीन घी आता था, प्योर घी, पूरी बनता था, हलवा बनता था, सब्जी बनता था, और बच्चे लोगों को लाइन लगा के, पहले बच्चे फिर बड़े, ये बच्चे लोग आते आते पूरी सब्जी मिलते मिलते उनके बाप काका चाचा बुआ मौसी दादा अड़ोस पड़ोस सुबह सब प्रेयर में आने लगे। हम लोग को तकलीफ नहीं हो कि ठाकुर बाड़ी आना, स्कूल जाना, उस हर बच्चे लोगों को उस समय जो साइकिल चला सकते थे, सबको उन्होंने साइकिल दिया था, मुझे भी मिला। तो ये है श्री श्री बौड़दा। आप लोग जो ठाकुर बाड़ी गए हैं, चिड़ियाघर के जो भी पशु पक्षी हैं, वो सब उनसे बात करते थे। वहां तो बड़का सा खांचा बना है, जो चिड़िया वगैरह आते हैं वहां रुकते हैं, ऊपर खुला हुआ है और फिर चले जाते हैं। तो वहां साइबेरियन कोई पक्षी है, उसमें एक वो जो क्या बोलता है उसको, हम लोग बॉग बोलते हैं, तो वो आया और वो जंगली था, बत्तख। वो जब भी श्री बौड़दा जाते थे, थप थप करके उनके पास आते थे, उस समय बंद नहीं था, और श्री बौड़दा जब बोले है देखो उसको, उसके लिए एक ठो मतलब फीमेल बर्ड मंगाना पड़ेगा, और जब उनके लिए एक फीमेल बर्ड लाया गया ढूंढ ढांड के कोलकाता से चिड़ियाघर में बातचीत करके, और उसके बाद से वो थप थप करके श्री बौड़दा आते थे तो नहीं आता था, तो श्री बौड़दा बोलते हैं देखो कार्तिक वो आमाके कौन भूलेगा लो, और कास्टा होएगा लो, उसका काम हो गया, देखो मेरे को कैसे भूल गया। हम लोग भी ऐसे ही है, हम लोग ठाकुर जी के पास जाते हैं कुछ पाने के लिए, जब मिल जाता है उनको भूल जाते। इस तरह से वो खांचा के अंदर ना, अभी तो खांचा बन गया, वहां एक तो कटहल का पेड़ था, जैकफ्रूट, वो किसी ने एक दिन काट डाला, उनको बहुत देखा तो है तुम काट क्यों रहे, नहीं हमको आदेश हुआ है, हम ही बोलछी मैं बोल रहा हूं ना मत काटो मत काटो। वो आधा कटा हुआ जो पेड़ है उस पेड़ को उन्होंने और काटने नहीं दिया, और सुबह शाम जब प्रार्थना करने आते थे उस पेड़ को पकड़ते थे और प्यार करते थे, ठाकुर जी का नाम करते थे। वो पेड़ इसलिए काटा गया था क्योंकि उसमें कटहल अच्छा नहीं होता था, आज भी वो कटहल का पेड़ है, उसमें बहुत कटहल होता है, और मुझे याद है उस कटहल पेड़ से एक बार मैं और मेरा मित्र शांतनु, हम दोनों ने कटहल पक गया था चोरी करके खा लिया था, श्री बौड़दा पूछे थे वो कटहल किसने खाया, लेकिन देखिए हम लोग कितना आम आदमी के तरह उनको प्यार करते थे या क्या था मुझे मालूम नहीं, हम दोनों जाके बोले हम दोनों ने खा लिया, बोला बेस कोड़े चीज। तो इतने प्यार करते थे, जो अभी ठाकुर बाड़ी गए हैं श्री बौड़दा बाड़ी जाते हैं, श्री दादा का जो नाट मंडप है आचार्य देव, उनमें देखेंगे एक कृष्ण चूड़ा का पेड़ है, इधर होता है ना बहुत, अभी बरसात में बहुत पत्ती होते हैं, कभी लाल या पिंकिश
या कलर का रेड कलर का फूल होता है, खूब बढ़ के आता है, एकदम खिलता है, कृष्ण चूड़ा बोलते हैं हम लोग उसको। वो फिलैंथ्रोपी ऑफिस तब पूरा बना था, केवल एक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर था, बड़ा सा हॉल था, नाट मंडप नहीं था, दोनों तरफ दो ठो फुवारा था और दोनों फुवारा के बगल में जो दूसरा वाला फुवारा था जहां नाट मंडप है वहां दो ठो कृष्ण चूड़ा का पेड़, एक ठो कट गया, वो कहीं बाहर गए थे तो आए तो एक तो कट गया था, दूसरा कटाई था, उन्होंने बोला नहीं ये क्या कर दिया, पेड़ क्यों काटा, इसको मत काटो। वो उस पेड़ को घर से निकलते आते रोज प्यार करते, फिर वो कटा हुआ पेड़ अच्छा हो गया, आज भी वो पेड़ है, आप लोग देखेंगे जहां दादा लोग जिस तरफ से प्रणाम करते हैं आचार्य देव को, वहां एक तो पेड़ देखिएगा नाट मंडप के ऊपर चढ़ गया है, उसको शिशी दादा इस तरह से बचा के रखे हैं। ये है शिशी बौड़दा जिसका स्मृति चारण करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही तप की नंदना, पितृ प्रीति संचार करती सब देवता का वंदना। देखिए साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, खुद भोग निवेदन कर रहे हैं, क्या लीला है पिता पुत्र का। मैं बहुत कुछ और कहना चाहता हूं लेकिन समय बहुत हो गया है, मैं बहुत कुछ ठाकुर जी की दया हम लोग के जीवन बहुत कुछ बोलने को इच्छा कर रहा है। आनंद बाजार में खुद जमीन में बैठ के सामने पत्तल लेके वो खाते थे, अगर भोग प्रसाद लेते हैं तो पहले छोटा छोटा एक मुट्ठी बना बना के राउंड राउंड आजू बाजू में जो बैठते थे उन लोगों को देते थे, झगड़ा होता था उनके आजू बाजू कौन बैठेंगे। ये बहुत कुछ है जीवन में उनके दया की बात क्या कहे। हम लोग को एक वाणी उन्होंने सिखाया था लोभ के बारे में, खूब सावधान, लोभ कोड़ो ना, लोभ कोड़े छाई साधेनु ना, साधेर संगे ढोके पाप पाप ढुकले मनुस्ता। लोभ नहीं करना चाहिए, तो लोभी तो हम लोग सबको यही है क्योंकि हम सब वृत्ति प्रवृत्ति को लेके जीते हैं, लेकिन हमारे उस वृत्ति प्रवृत्ति को ईश्वर प्रतिष्ठा के लिए ठाकुर जी के प्रतिष्ठा के लिए लगाना चाहिए, तभी जीवन सार्थक होता है। नहीं तो जैसे हम लोग है हम लोग वैसे ही रहेंगे। ये एक भजन है, आप लोग सुनिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, दिल में मेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, सारी दुनिया तेरे ही सुन ले, ओ सुन ले जीवन पूरा, दिल में तेरे प्रभु प्रीतम प्यारा, दिल में प्रभु प्रीतम प्यारा।
कुछ नहीं ये सारा, क्योंकि दिल ने पाया जल तेरा, दिल मेरे प्रभु प्रभु जाया। अभी मैं यहाँ इसको समापन करता हूँ, लेकिन एक गाना है ये जो आप लोग सुन रहे थे, ये अमर संगीत तोमार रंगे हृदय अमर राना का हिंदी अनुवाद है। अब मैं इसका बंगला वाला आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मुझे एक मिनट समय दीजिए। जीवन महंतोदा, आप तब तक आगे कार्यक्रम करें, मैं अमर संगीत की बांग्ला जो ओरिजिनल है उनको तब तक सेट कर लेता हूँ। थोड़ा पता नहीं क्या कहाँ उंगली लग गया है तो डिस्टर्ब हो गया। मुझे एक मिनट समय आप दीजिए, तब तक आप आगे का कार्यक्रम करें। अभी एक ज्योति सारंद दा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक भजन प्रस्तुत कर लें, क्योंकि समय अभी क्योंकि ये जो गाना है बहुत हृदय स्पर्शी गाना है जो कि हम अभी हिंदी में सुने, उसको ओरिजिनल जो बांग्ला है जिसका और भाव है उसके अंदर वो दादा सुनाना चाहते हैं, तो इसलिए एक भजन करके ये गाना सुनेंगे फिर जयराधे करके खत्म करेंगे। ज्योतिषानंद दा आप हैं? हाँ, एक छोटा भजन कर लीजिए, एक छोटा भजन बोल लीजिए, एक छोटा भजन कर लीजिए, क्योंकि वो गाना प्ले करने के बाद फिर हम आज के। हाँ, अच्छा, एक छोटा भजन करेंगे तो? जी दादा हाँ, जय गुरु दादा, जय गुरु। भजन इसका कथा धीतिमान सिंह है, रचना धीतिमान सिंह का, सुर धुन दिया है शुभश्री सिंह। हे ठाकुर तू शांति दाता, परम पिता तू मुक्ति दाता। हे ठाकुर तू शांति दाता, परम पिता तू मुक्ति दाता। जीवन रहने दयाल प्रभु तू मरण दाता, हे ठाकुर तू शांति दाता, परम पिता तू मुक्ति दाता। जीवन
रंग में दयाल प्रभु मरण दाता हे ठाकुर शांति दाता पंच जन्म की अमर धनी में शारुति नव कुरुक्षेत्रों में पंच जन्म की अमर धनी में शारुति नव कुरुक्षेत्रों में विधि पुरुष प्रभु प्राण धाता विधि पुरुष प्रभु प्राण धाता जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता हे ठाकुर शांति दाता बोलायो युद्ध धन घोर छाया पांडव नर्तन मरण लाया बोलायो युद्ध धन घोर छाया पांडव नर्तन मरण लाया निर्भय कर प्रभु प्राण दाता निर्भय कर प्रभु प्राण दाता जीवन रन में दयाल प्रभु मरण त्राता हे ठाकुर तुम शांति दाता परम ब्रह्म रूप आनंद घन इष्ट ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद पृष्ठ परम ब्रह्म रूप आनंद घन इष्ट ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद पृष्ठ पुरुषोत्तम गुरु स्वस्ति दाता पुरुषोत्तम गुरु स्वस्ति दाता जीवन रन में दयाल प्रभु मरण त्राता हे ठाकुर शांति दाता परम पिता मुक्ति दाता जीवन रन में दयाल प्रभु मरण त्राता हे ठाकुर शांति दाता हे ठाकुर शांति दाता हे ठाकुर शांति दाता कृतिदा आप रेडी हैं दादा? दादा आपने चालू कर दिया। Oh,
ये गाना सबको अच्छी तरह से सुनाई नहीं पड़ा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले दिन इसको, कल हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से सुन पाएंगे, इसी वादे के साथ मैं महंतोदा से अनुरोध करूंगा, ध्वनि दीजिए। आज का सत्संग उन्हीं के घर से दिया गया है और कल का सत्संग लखनऊ के सह प्रतिनिधि शुद्ध के घर से, ध्वनि दीजिए महंतोदा। ये जय राधे करना होगा दादा? ओ जय राधे, हाँ जय राधे होगा, ठीक। ज्योतिषानंद दा, ज्योतिषानंद दा, जय राधे। हाँ हाँ
जय राधे। हाँ ठीक है। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। चारु रे मोने पंकज चारु रे अदनी बोल हरि हरि। हरि नाम परम जीवन मुद्रम अकर्म कर्म। चारु रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। चारु रे রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। চারু রে মনে কপট চারু রে অদনে বল হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম জীবের মূলধন অকর্ম কুকর্ম। চারু রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। চারু রে মন ভবের আশা অজপা নামে কর রে নিশা রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ বদনে লইছে নয়ন নীরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। জগত জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। জগত জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। জগত জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয়। আচার্য দেব পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। আচার্য দেব পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। আচার্য দেব পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। সাত সঙ্গ কি জয়। বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে
वंदे अहं चिदैवतम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु सबको जय गुरु दादा जिनादा सबको उसी दोस्त का जय गुरु जय गुरु जय गुरु। हमारे आज जो दोनों स्पीकर हैं परमपिता के नाकुल चरण में हम उनका मंगल प्रार्थना करते हैं श्री सनातन नायक दा और वेदवाणी गांगुली दा। और कल हम लोग इस तरह से आपके जान पहचान के जो भी लोग होंगे उनको बताएं कि आए और हम लोग के साथ रहें और ठाकुर जी की बात करें, हम लोग को अच्छा लगे। जी दादा ये इसी इस, ये इसी आज जो विषय बोलता था दादा हेलो जैसे हाँ इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम सोचते कल कृतिदा बोलिए बोलिए कल बोल रहा था कल अगर हितिदा मिलेंगे देवघर से थोड़ा सा अच्छा रहता क्योंकि ये थोड़ा सा असंपूर्ण लग रहा था। ये थोड़ा सा ऐसा कि इसको परिपूर्ण करने के लिए चाहिए थोड़ा देखिए बात कर जी दादा बात जी दादा आज थोड़ा हो गए थे हम लोग आपका आलोचना भी बहुत हृदय स्पर्शी था इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये आपका जो बाकी था कल पूर्णांग को कर लीजिए कल भी थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आपसे कोशिश करेंगे फिर जी दादा जी दादा जी धन्यवाद। और इस तरह से जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं आप लोग अगर सब कोई सत्संग देना चाहते हैं तो कृपया अपना नाम हमें बता दीजिए और दिन क्योंकि अगले 30 दिन तक हम चाह रहे हैं कभी ना कभी किसी के घर से ये सत्संग को किया जाए। तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया था दादा आज जो श्री अपना लखनऊ सत्संग विहार की जो कार्यक्रम के लिए जो मंदिर निर्माण का जो कार्यक्रम जो होगा उसके लिए आज हम 2000 रुपए हम ट्रांसफर करेंगे तपोदा के लिए। जी जी मोहन दादा 2000 रुपए हम ट्रांसफर दादा जय गुरु मोहन दादा। हां दादा मैं तो ये बोल रहा हूँ 3-4 दिन होना चाहिए फिर तो बहुत सारे कहानी सुन सकते हैं। नहीं मैं इसीलिए मैं दादा को रिक्वेस्ट अनुरोध किया कि उसको कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि हम लोग ठाकुर जी का बहुत सुने हैं। अच्छा ठाकुर जी को जो समझने के लिए बढ़ता क्योंकि बढ़ता को समझना पड़ता जैसे बढ़ता को समझने के लिए पूज्य पद दादा से समझना पड़ेगा पूज्य पद दादा से बातें जानने के लिए पूजनीय बाबाईदा से समझना पड़ेगा वैसे ही पूजनीय बाबा की जानने के लिए पूजनीय अविन भाभी को जानना पड़ेगा। तो अविन भाभी तो बोल रहे हैं कि पूजनीय बाबाईदा उनके जो पिताजी वो तो ईश्वर हैं तो अगर बाबाईदा अगर ईश्वर हैं तो बाकी ऊपर का क्या है वो तो समझना पड़ेगा दादा। तो इसलिए आज का जो 1-2 घंटा कार्यक्रम है ये समाप्त नहीं हो सकता वाकई नहीं समाप्त होगा दादा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप जो कोई भी देवघर से देवघर वासी हैं जैसे कि आप लोग हैं आप लोग मैंने सुनना चाहेंगे दर्द तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा 2-3 दिन चलना चाहिए इसमें चर्चा परिचर्चा उनके वाणी उनका जो आदर्श जो पितृभक्ति ये हम लोगों ने खाली वाणी से सुने हैं लेकिन वास्तविक जो देखा है जो समझा है वो जानना बहुत जरूरी दादा आपसे सुनना चाहेंगे। दादा आपने आज बहुत सुंदर चर्चा किया मेरे दिल
दादा आवाज नहीं आ रही है। बहादुर प्रसाद राय और रविंद्र जसवाल जी, आप लोग माइक को ऑन करके अगर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी मन की बात या आप कुछ भी कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। आपका माइक अभी तक ऑन था, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं तो जरूर पूछे। बहादुर प्रसाद राय और रविंद्र जसवाल। जय गुरु दादा। मीना जसवाल। अच्छा अच्छा मीना जी, आप वहां से बोल रहे हैं। जय गुरु बोलने के लिए ऑन किए थे। ठीक है दादा, बहुत अच्छा लगा सबका सुन के जी। बहादुर प्रसाद राय जी, आप बोलिए क्या कह रहे हैं। आपका सत्संग सुन के, क्योंकि मैं तो परिचित हूँ आपसे, आपका सत्संग कॉलोनी में जाता था बचपन से ही, मतलब जब से मैं देवघर गया था तब से। गंगुलीदा से परिचय था, उससे उसके माध्यम से ही आपके विषय में भी सुनता था, और उस समय भी एक आध बार मैं आपसे सुना हूँ। आज जब मैं सुना तो बहुत कुछ परिचय, मतलब स्मृति ताजी हो गई आपके विषय में, और बहुत ही अच्छा लगा आज का सत्संग। इस तरह से यदि कार्यक्रम हो तो हम लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। आज बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिला जो कि हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से जो सुने, हम लोग सबके लिए बहुत ही हृदय स्पर्शी रहा आज के लिए। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप रोज जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए। हम लोग हर रोज रात को 8 बजे से देर से 1.5-2 घंटा करते हैं। आज मैंने जबरदस्ती 15-20 मिनट ज्यादा ले लिया, उसके लिए भी मैं परमपिता के पास क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे से गलती हुआ है। सत्संग खत्म करने के बाद हमको करना चाहिए था। आप सबको बोलिए इस बात को बहादुर जी। ठीक, हम लोग कोशिश करेंगे दादा, जितना मिलेंगे हम लोग को आसपास में, सबको प्रेरित करेंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका। वो आके यहाँ भजन भी कर सकते हैं, ठाकुर जी की वाणी पाठ कर सकते हैं, ठाकुर जी के किताब से पढ़ के सुना सकते हैं, खुद अपनी उपलब्धि को भी हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी वाइफ काफी इस मामले में आगे रहती है, बहुत सारे को जोड़ते रहती है, तो उनकी इच्छा है कि आपसे मुखातिब होगी एक बार, वो अपना भजन सुनाएगी। मातृ सम्मेलन में बुलाइए, कल छोड़ के उसके बाद तो मातृ सम्मेलन होगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ रोज मातृ सम्मेलन हो रहा है, बिल्कुल करिए। चलिए जुड़ेगी आप लोगों से। ठीक है, जय गुरु सभी को। जय गुरु दादा, जय गुरु, बहुत सुंदर दादाजुमदारे आए मुजुमदार। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। आज नीलम माँ नहीं दिखी। जय गुरु माँ, जय गुरु। हाँ दिखी है, अरे वो आज नीलम माँ मैं के साथ, मैं के साथ जुड़ी थी। गोरखपुर वाले में भी नहीं दिखी थी। नहीं, गोरखपुर में भी। जय गुरु। गोरखपुर से जो प्रोग्राम होता है जी दादा, हाँ दादा, उस प्रोग्राम के बारे में कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, बड़ेली,
जौनपुर पीलीभीत इन लोगों को बोलिए था तब तो वो लोग जुड़ पाएगा। जी दादा आप देखेंगे लोग जुड़ेंगे कुछ बात सुनेंगे। जैसे एक बात है आज मैं कहना चाह रहा था लेकिन समय नहीं था। आप लोग सब देखते होंगे ठाकुरबाड़ी जाते हैं ना। जी दादा बोर्दा जब आते थे बोर्दाबाड़ी से या आचार्य देव से दादा आते हैं या आज के दिन में पूजनीय बाबाई दा आते हैं ये लोग पहले कहाँ प्रणाम करने जाते हैं मालूम है? सोचिए कल बताएंगे। आज के लिए डिस्कनेक्ट करते हैं। जय गुरु दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु।